हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे साइंस में भोजन के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड की। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या क्या आता है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स। इन चीज़ों के जनरली आपने नाम सुने भी होंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं हम उनकी धीरे धीरे एक एक की बात करेंगे, एक एक को अच्छे से समझेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, फिर हम उसमें बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और उसके सोर्स क्या क्या है, मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, तो देखिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी है हो गई या कार हो गई, इनको चलाने के लिए आप बाइक का यूज़ करते होंगे, बॉयज़ गर्ल लड़कियाँ स्कूटी की चलाती होंगी या फिर हम कार चलाते हैं, तो इसको इसके लिए हमें पेट्रोल डीजल का मतलब चाहिए, उसका हम यूज़ करते हैं, मतलब वो क्या हो गया उनके लिए ईंधन का काम करता है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को चलाने का काम करता है। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट किन किन कंपोनेंट से मिल के बना है केमिस्ट्री में। तो हमारा ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो फ्रेंड्स हमारा कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना है? कार्बन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अब हम इसका एक जो हम क्या कहते हैं इसका एक रासायनिक जो सूत्र है हम उसको देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र होता है CnH2O(N)। हम इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, इजीली याद रख सकते हैं। हमें पता चल गया कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, कार्बन से, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। तो बस हमें क्या करना है इसके सूत्र में यही चीज़ें रख देनी है और उनकी हमें ऐसे नंबरिंग कर देनी है। ये हो गया हमारा केमिकल जो कहते हैं केमिकल इक्वेशन हो गई कार्बन हाइड्रेट की। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कार्बन हाइड्रेट्स, इसके फंक्शंस क्या रहते हैं, ये हमारे बॉडी में किस चीज़ का काम करता है। तो पहला फंक्शन तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई तभी बता दिया कि जैसे कार, स्कूटर, बाइक इन सब के लिए हमें ईंधन की यानी कि पेट्रोल की, डीजल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे शरीर को कार्बन हाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है उसको चलने के लिए, उसमें एनर्जी के लिए। तो इसका एक फंक्शन क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में स्फूर्ति लाता है, आलस्य को दूर करता है। मेन फंक्शन ये देखिए होता क्या, जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होता है, खाने में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है जैसे हमने खाना खाया तो हमारी जो बॉडी है वो कुछ खाने को स्टोर करके रख लेती है, तो उस खाने में जो शुगर हमें कहना चाहिए जो शुगर होती है वो कार्बन हाइड्रेट के रूप में आ जाती है जो खाने में मिलती है हमें। फिर वो क्या करती है हमारी पूरी बॉडी में, पूरा दिन हमारी पूरी बॉडी में नसों से उसको सप्लाई करती रहती है, एनर्जी हमें बॉडी को देती रहती है। कार्बन हाइड्रेट्स हमारे माइंड के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारा दिमाग का फंक्शन होता है उसके लिए हमें कार्बन हाइड्रेट चाहिए। अगर हमारे खाने में कार्बन हाइड्रेट्स कम होगा तो हमारा माइंड उतनी स्फूर्ति से उतनी तेज़ी से काम नहीं करेगा। चलिए वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जैसे दूध या फैट वाली कुछ चीज़ें कम खाओ, मोटापा ना बढ़े, इस तरीके की बातें होती हैं, लेकिन हर एक चीज़ बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, अधिक मात्रा में नहीं। ऐसे ही कार्बन हाइड्रेट के साथ है, अगर हम कार्बन हाइड्रेट को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमें शुगर की बॉडी में थोड़ी सी ज़रूरत है लेकिन हमने बहुत ज़्यादा अगर शुगर ली है तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान करती है। इसी तरीके से अगर हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते तो वो फैट को बढ़ाता है, इसीलिए हर चीज़ें हमें लिमिटेड मात्रा में लेनी चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं सोर्स ऑफ कार्बन हाइड्रेट्स की। फ्रेंड्स फंक्शंस जो मैंने आपको बताए हैं आप पॉइंट्स में लिख लीजिए उनको, जैसे
हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब ऊर्जा प्रोवाइड करता है। ऐसे ही हमारे आलस्य को दूर रखता है, हमारे दिमाग को मतलब ज़्यादा स्फूर्ति प्रदान करता है। तो इस तरीके की बातें हमारी आ जाएंगी इसके फंक्शन में। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हमने ये तो जान लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स का हमारी बॉडी में यूज़ क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या, लेकिन अब हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा किस खाने से ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम दो कैटेगरीज में बात करते हैं, एक हो गया शुगर और एक हो गया स्टार्च। अगर हम शुगर की बात करें तो ये हमें किससे मिलेगा, गन्ने से, गन्ने से मिलेगा। यह हमें मिलेगा शकरकंद से, तो जो ऐसी चीजें होती है, गन्ना हो गया, शकरकंद हो गई, दूध हो गया, दही हो गया, मतलब जो भी दूध से बने हुई जो भी चीज़ें होती हैं उनसे भी हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। अब स्टार्च में क्या आता है, स्टार्च में हम बात करेंगे, स्टार्च में आता है अनाज, जैसे गेहूं, चावल, दलिया, तो ये सभी चीज़ें आती हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। तो फ्रेंड्स आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोटीन, वसा, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो एक बार आप इन चीज़ों को अपने उससे लिख लीजिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और हाँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं, वो भी इस नॉलेज को ले सके। आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।